हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज फैशन यू चेतना। और इन दिस वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ नाइका अल्ट्रा मैट रिव्यू। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको जो अभी नाइका की न्यू लॉन्च लिपस्टिक हुई है, नाइका अल्ट्रा मैट लिपस्टिक, ये आपको परचेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि नाइका की जो सो मैट लिपस्टिक थी वो भी कुछ मैट लिपस्टिक थी, बट उसका टेक्सचर जो था वो कुछ क्रीमी टाइप का था। आप क्या देख सकते हैं किस टाइप का क्रीमी था, और ये हल्का सा टच करने पर ये ट्रांसफर भी होती थी। बट नाइका की जो अभी न्यूली लॉन्च लिपस्टिक है जिसके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, सबसे पहले देखिए कि इसकी पैकेजिंग कितनी क्यूट है। मैंने यहाँ पे परचेस किया है डायना शेड, जो कि मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा है। और उसके बाद में जब इसको ओपन करते हैं तो इसका जो पर्टिकुलर लिपस्टिक का शेड होता है उसका कैप उसी कलर का आता है, और इसमें मैग्नेट होता है तो इस टाइप से ये क्लोज हो जाता है। उसके बाद आप इसको इस टाइप से ओपन कर सकते हो। इसमें सेम नाइका सो मैट लिपस्टिक की तरह बुलेट आता है पॉइंटेड, जिससे आप अपनी लिप्स की एज को अच्छे से कवर कर सकते हो। और ये लिपस्टिक जो है बहुत बहुत अच्छी है। अगर आप लिपस्टिक परचेस करने का सोच रहे हैं तो नाइका सो मैट लिपस्टिक को छोड़ करके ये वाली लिपस्टिक जरूर परचेस करें। इस लिपस्टिक का एक बेनिफिट है कि ये जो लिपस्टिक है वो अल्ट्रा मैट लिपस्टिक है, और जैसे कि लिक्विड लिपस्टिक जो होती है वो अपने लिप्स को ड्राई कर देती है, उस टाइप से ये ड्राई नहीं करती है। बस मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि जब आप ये लिपस्टिक अप्लाई करो उससे पहले आपको अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर लेना, अदरवाइज आपके लिप्स जो है थोड़े ड्राइंग फील होंगे। और ये लिपस्टिक जो है इसमें मैंने शेड परचेस किया है डायना। आप देख सकते हैं अभी अपने मैंने अपने लिप्स पर अप्लाई कर रखी है, बहुत ही रोजी पिंकी शेड है, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। अभी एक्चुअली मैंने एक ही शेड परचेस किया है, मैं आगे इसकी मोनालिसा और नूर और ग्रेस शेड जो है परचेस करने का सोच रही थी। पहले मुझे लगा लाइक ये भी नाइका सो मैट लिपस्टिक की तरह थोड़ी क्रीमी होगी, तो मैंने इसका एक ही शेड परचेस किया था जो कि डायना मुझे बहुत खूबसूरत लगा था। और इसको मैंने अप्लाई करने के बाद लाइक मेरी पूरी जो थिंकिंग थी कि नहीं थोड़ा क्रीमी होगा मैट नहीं होगा वो सारी चेंज हो चुकी है, इसलिए मैंने इसके आगे तीन शेड और परचेस करने का सोचा है। तो अगर आप लोग जो है नाइका अल्ट्रा मैट लिपस्टिक परचेस करने का, डेफिनेटली आप इस लिपस्टिक को परचेस कर सकते हैं, बहुत बहुत अच्छी लिपस्टिक है। आपको जरा सा लिप्स पर मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, देन उसके बाद में लिपस्टिक अप्लाई, और ये हल्की सी ट्रांसफर होती है जिस टाइप इस तरीके से हुई है। तो आपको क्या करना है, लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद टिश्यू पेपर से डैप कर लेना, उसके बाद आप रीअप्लाई करोगे लिपस्टिक को तो ये जरा सी भी ट्रांसफर नहीं होगी। ये इतनी अच्छी लिपस्टिक है, मुझे बहुत बहुत पसंद आई है। अगर आप बेशक ये लिपस्टिक परचेस करने का सोच रहे हैं तो परचेस कर लीजिए। इसकी पैकेजिंग प्रीवियस सो मैट लिपस्टिक की तरह आती है, इसके नीचे जो इसका पर्टिकुलर शेड लिखा हुआ होता है, और ये जो कैप बनाया है इन्होंने पर्टिकुलर लिपस्टिक के शेड का, मुझे बहुत अच्छा लगा है, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये लिपस्टिक जो है कौन से कलर की है। तो ये चीज़ जो है मुझे बहुत अच्छी लगी। अदरवाइज पैकेजिंग जो है प्रीवियस लिपस्टिक की तरह है, कोई चेंज नहीं है। और इसका बॉक्स मुझे बहुत क्यूट लगा है, बहुत ही क्यूट पैकेजिंग है। और इसका जो डायना शेड है वो बहुत बहुत अच्छा है। अगर सारे लिपस्टिक में से जो आप अगर कोई लिपस्टिक शेड परचेस करना चाहते हो तो डायना जरूर ज़रूर परचेस करें, उसके बाद में आपकी जो चॉइस है उसके अकॉर्डिंग आप परचेस कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये शेड बहुत अच्छा लगा, और आगे मैंने जैसे कि आपको बोला कि तीन शेड परचेस करने जा रही हूँ तो मैं ये चीज परचेस करूंगी। इस लिपस्टिक का जो प्राइस है वो 550 रुपीज़ है, जिसके अंदर आपको 4.2 ग्राम प्रोडक्ट मिलता है। बहुत ही अफोर्डेबल लिपस्टिक है, अफोर्डेबल लिपस्टिक के अंदर जो है आपको इतना अच्छा अल्ट्रा मैट लिपस्टिक मिल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब मैंने जो डायना शेड परचेस किया है मैं आपको लगा के बताऊंगी। ये देखिए इस टाइप से दिखता है, बहुत ही खूबसूरत रोजी पिंक शेड है, बहुत अच्छा शेड है। इसको आप इजीली अप्लाई कर सकते हो इसकी बुलेट की हेल्प से। तो मुझे ये लिपस्टिक बहुत बहुत अच्छी लगी। अगर आप परचेस करने का सोच रहे हैं तो बेशक आप इस लिपस्टिक को परचेस कर सकते हैं। नाइका सो मैट लिपस्टिक और ये अल्ट्रा मैट लिपस्टिक दोनों में कंपैरिजन करूं तो इसका जो ब्लैक पैकेजिंग आती है, नीचे इसका शेड नंबर लिखा होता है, उसमें कैप चेंज हुई है। और ये जो है ये भी मैट लिपस्टिक है, बट ये हल्का सा क्रीमी टच देती है, और ये पूरी अल्ट्रा मैट लिपस्टिक है जैसा कि इसका नाम है, तो ये पूरा मैट फिनिश देती है। लाइक आप देख सकते हो डैप करने के बाद एकदम आपको लाइट फील होगा, आपको फील नहीं होगा कि आपने कोई लिपस्टिक अप्लाई कर रखी है। अदरवाइज अगर आप ये नाइका सो मैट लिपस्टिक अप्लाई करते हो तो आपको थोड़ा लाइट टच फील होता है कि आपने जो है लिपस्टिक अप्लाई कर रखी, बट इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बहुत अच्छी लिपस्टिक है। मैं थैंक यू सो मच नाइका कि उन्होंने इतनी अच्छी लिपस्टिक लॉन्च करी है एक अफोर्डेबल रेंज के अंदर। तो आप लोग भी जो है इसे परचेस कर सकते हैं।